नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा इंस्पायर टू हिंदी से, और ये है हुआवे का नोवा 3। तो दोस्तों, हुआवे ने अभी दो नए फोन लॉन्च किए थे, हुआवे नोवा 3 आए और नोवा 3 जो है इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी प्यारा लगा। पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर है, ड्यूअल कैमरा सेंसर, एलईडी फ्लैश, हुआवे की जो ब्रांडिंग है एकदम P20 प्रो जैसी, और ये आयरिस पर्पल कलर जो कि मुझे देखने में बहुत प्यारा लगता है। सामने 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है जो कि देखने में काफ़ी सही है। राइट साइड पर आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर मिलता है, और ओवरऑल इस फोन की डिज़ाइन और फिनिश बहुत ही गजब है। 166 ग्राम इसका वजन है, और बॉटम पे आपको USB टाइप सी का पोर्ट, 3.5 mm जैक और स्पीकर ग्रिल मिलता है, और एंटीना बैंड्स भी दिखाई देते हैं। इस पे एक बड़ा सा नॉच दिया गया है जिसके अंदर की फ्रंट कैमरा है, और इसके अलावा एक इंफ्रारेड सेंसर भी है। इस फोन के साथ हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट आपको मिलती है, और अलग से डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं है। आइए अब इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। यह फोन हुआवे के किरिन 970 चिपसेट के साथ आता है, जिसके साथ इन्होंने डेडिकेटेड NPU दिया है जो कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है, ताकि AI इनेबल्ड फंक्शंस उसमें सही से हो पाएं। इसके अलावा उसमें 6GB रैम है और 128GB स्टोरेज, जिसमें से 111.4GB स्टोरेज आपको पहले से खाली मिलती है। 6GB रैम के अलावा इसमें i7 कोर प्रोसेसर भी है कुछ अन्य फंक्शंस के लिए, और इसमें ड्यूअल सिम वोल्टी सपोर्टेड है। इसमें वो सारे सेंसर्स मौजूद है जो कि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए चाहिए। और आइए गेमिंग की बात करते हैं। तो पबजी जैसी भारी भरकम गेम को हम एकदम हैवी सेटिंग्स पे, मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स पे आराम से खेल पा रहे थे। कहीं कहीं पे जो लैग दिखाई दे रहा था, मुझे ऐसा लगा कि नेटवर्क इश्यूज की वजह से है। इसके अलावा इसमें एक और ऐसा अन्य फीचर है जिसमें अगर गेमिंग मोड वगैरह इनेबल्ड हो तो फोन जो है वो वाइब्रेट करता है अलग अलग इंटेंसिटी पे, इस हिसाब से कि आप कौन सी गन्स या कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं गेम खेलते वक्त, तो वो भी एक काफ़ी नया एक्सपीरियंस है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पे बेस्ड EMUI 8.2 के साथ आता है। इस स्किन से मुझे कुछ खासा दिक्कत नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके एनिमेशन स्लो है, और नोवा 3i पे भी मैंने यही चीज़ देखी थी। ओवरऑल ये ठीक है, और कैमरा इसका मेन पॉइंट है। तो ये बैक कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल F1.8 और 24 मेगापिक्सल F1.8 ब्लैक एंड वाइट वाला इन सेंसर्स के साथ आता है, और गायरोस्कोप बेस्ड EIS इसमें मौजूद है। सामने आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सेंसर, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और अगर मैं चित्रों की क्वालिटी की बात करूं तो मुझे काफ़ी हद तक क्वालिटी बढ़िया लगी, और कैमरा के मामले में ये फ़ोन काफ़ी सही है अपनी प्राइस रेंज पे। कुछ कुछ मामलों में मुझे ऐसा लगा कि अभी भी जो हुआवे की जो प्रोसेसिंग है उसमें ओवर एक्सपोजर हो जाता है फोटोज़ का, कहीं के पे हाईलाइट्स एकदम ब्लोन आउट हो जाते हैं, पर जो मोड्स हैं जितने भी, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड हो गया, अपर्चर मोड हो गया, वो सारे मुझे इस फ़ोन पे सही लगे। अपर्चर मोड में अभी भी वो दिक्कत है कि कहीं की जगह पे वो अजीब सा ब्लर कर देता है, पर पोर्ट्रेट मोड फिर भी मुझे सही लगा, और फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी हद तक पसंद आई। वीडियो क्वालिटी की अगर बात करूँ तो फ्रंट कैमरा जो है वो 18:9 एस्पेक्ट रेशियो की फुल एचडी वीडियो शूट कर सकता है, जो कि अच्छी क्वालिटी की लगी मुझे, और एक्सपोजर कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था उनमें। पर उसके अलावा अगर मैं बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो उसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है, पर उसमें भी कहीं कहीं पर फोकस हंटिंग वाले इशूज लग रहे थे। इतने छोटे से क्लिप में भी ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं पर बंदा जब हाथ हिला रहा है तो फोकस जो है वो आ जा रहा है। बैटरी की बात करें तो ये 3750 mAh की बैटरी के साथ आता है, 9V 2A का फास्ट चार्जर इसके साथ मौजूद है, तो बैटरी के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं हीटिंग इश्यूज की बात करूं तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे फ़ोन गर्म हो रहा था जब मैं इस पे पबजी 5-10 मिनट से ज़्यादा खेल रहा था, तो ग्लास डिज़ाइन होने की वजह से हीट डिसिपेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके अलावा मल्टी विंडो और भी कई सारे अन्य फीचर आराम से इसमें काम करते हैं, और आइए अब इसका एक साउंड टेस्ट करते हैं। तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो थी वो 95 से 100 decibel तक जा रही थी, जो कि ठीक ठाक है। अगर हम इस फोन की प्राइस की बात करें तो 35,000 रुपये के अराउंड ये फोन आएगा, 6GB रैम, 128GB रोम, और सेल जो है वो 23 अगस्त से शुरू होगी। कई सारे इसमें ऑफर्स भी मिलेंगे आपको, जैसे कि जियो का कैशबैक ऑफर है 1200 रुपये का, इसके अलावा 1000 रुपये कैशबैक मिलेगा प्री बुकिंग पे, और 2000 रुपये ऑफ मिलेगा एक्सचेंज पे। कई सारे ऑफर्स वगैरह हैं इस फोन के साथ, और ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन उतना भी बुरा नहीं है। पर आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि आज की डेट में इसी प्राइस रेंज में आपको OnePlus 6 और ASUS के Zenfone 5G जैसे स्मार्टफोन्स बड़ी आराम से मिल सकते हैं। Zenfone 5G तो इससे सस्ता भी है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन फोन्स को इससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने के चांसेस हैं। ये फ़ोन वही लोग लें जिनको ऐसा बढ़िया कैमरा चाहिए, ठीक ठाक बैटरी लाइफ चाहिए, और इतना बढ़िया सा प्यारा सा दिखने वाला डिज़ाइन चाहिए, अन्यथा मैं आपको दूसरे ही फ़ोन रिकमेंड करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया अवश्य लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें, और सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।